छोटी काशी बूंदी को देश भर में पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। हर साल हजारों की तादाद में देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं। शहर के मुख्य मार्गों, पुरानी शहर दरवाजों को अब हेरिटेज लुक देने की कवायद शुरू हो गई है। बूंदी की बदहाल दीवारों को रंग रोगन से रंगा जा रहा है। इन दीवारों पर राजस्थान की प्रसिद्ध मांडना चित्रकारी भी हो रही है और इस चित्रकारी को किसी पेंटर या आर्टिस्ट ने नहीं बल्कि मनरेगा कर्मचारियों ने तैयार किया है। प्रशासन ने मनरेगा श्रमिकों से दूसरे काम नहीं करवाकर इस बार चित्रकारी करवाई है। शहर की दीवारों पर 90% चित्रकारी हो चुकी है और इनमें जो लेबर लगी है, इन दिनों अस्पताल, बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट, हायर सेकेंडरी स्कूल और सर्किट हाउस के बाहर की दीवारों पर पुताई की जा रही है। ये दीवारें इतनी गंदी थी, इसको हमने झाड़ू करके पहले ही इसको खुचर के फिर इसकी पुताई करी, हमने पीट पुताई करके पेंटिंग कराई है। और ये हम वहाँ से सर्किट हाउस से यहाँ तक लेके आ गए और हमारे रोजगार इन्हें चलना चाहिए, ये बंद नहीं होना चाहिए। बस तो रोजगार मिल रहा है आपको? रोजगार मिलता है, पर जैसे हमने 15 दिन तो बिठा दिया, 15 दिन चला दिया, 1 महीने बिठा दिया, 1 महीना चला दिया, ऐसा हो रहा है। रोजगार मिल रहा है पर रोजगार ऐसे फिर अपने हम दूसरा भी ऐसे रोजगार लगातार नहीं मिलेगा। IRGY योजना के तहत ये किया जा रहा है, पेंटिंग का कार्य और चित्रकारी ग्रामीण मंडूने वंडूने ये मंडा के उनको अच्छा रूप दिया जा रहा है IRGY। कितनी लेबर लग रही है अभी? 250 करीब लग रही है, 400 कुछ हमने मस्टोल निकाली, 400 की उसमें 250 प्रजेंट है। आगे भी जैसे ये प्रवेश द्वार वगैरह इनको सजाया? बिल्कुल पूरा चल रहा है, धीरे धीरे जैसे ही होते जा रहे, पूरे शहर की जो मेन दीवारें हैं उनको पुता रहे हैं, गंदगी रहती है वहाँ करा। जिला प्रशासन के द्वारा ये जो मांडना चित्रकारी कराई जा रही है ये बहुत ही सुंदर है और ऐसा बूंदी के अंदर जितनी भी कॉलोनी में पार्क हो या सामुदायिक भवन हो वहाँ पे इस तरह की चित्रकारी जिला प्रशासन के द्वारा करवाई जानी चाहिए। इससे हमारे कॉलोनी की सुंदरता भी बढ़ती है और लोगों के प्रति प्रशासन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी पैदा होता है, तो ये बहुत ही सुंदर है और ऐसे कार्य प्रशासन के द्वारा पूरे शहर में कराना चाहिए जिससे कि हमारे शहर को विकसित होने में एक गति प्रदान हो। ये आवश्यक भी था और ये शहर क्या है कि राजस्थान के सबसे पुराने शहरों में यहाँ की संस्कृति जो है वो पूरे देश में जानी जाती है और इस संस्कृति को उजागर करने का जो काम प्रारंभ हुआ है निश्चित रूप से ये बहुत पहले शुरू हो जाना चाहिए था। और ये जो आकर्षक जो दीवारें बनेगी तो लोग अपने आप ही यहाँ की साफ सफाई पर ध्यान देंगे, यहाँ की जो पुरानी दीवारें हैं जो बदरंग दीवारें थी उन दीवारों को वापस नए तरीके से टच करके और उनमें जो मांडने हैं जो कला है मांडना कला पर उस कला को जीवंत करने का जो काम प्रारंभ हुआ है निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य है और इससे नई पीढ़ी को भी मांडना कला की जानकारी प्राप्त होगी, साथ ही ये शहर भी खूबसूरत नजर आएगा और जो स्वच्छ नजर आएगा तो यहाँ पर विदेशी सैलानी और देशी सैलानी लगातार बढ़ेगी। और वहीं दूसरी तरफ शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत नरेगा श्रमिकों को रोजगार भी मिल रहा है और CM भजनलाल शर्मा का आभार जता रही हैं श्रमिक। रोज करीब 200 से ज्यादा मनरेगा श्रमिक महिलाएं इन दीवारों पर हाथों के कूचिया लेकर पेंटिंग करती दिखाई दे रही हैं। छोटी काशी बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर हर वर्ष हजारों की तादाद में देसी विदेशी पर्यटक आते हैं लेकिन शहर की जो बदरंग और बदसूरत दीवारें हैं उनको देखकर जो है नाराज होते हैं और तरह तरह के कमेंट करते हैं, लेकिन इस बार बूंदी जिला कलेक्टर ने जो है इन दीवारों को बेहतरीन बूंदी के तहत जो है स्वच्छता रखने के लिए जो नरेगा श्रमिक है उनके माध्यम से उनकी पुताई करवाना शुरू कर दिया है। इन दीवारों पर जो है मांडना एक जो चित्रकारी होती है वो मांडी जा रही है, यानी उनका चित्रकार किया जा रहा है। हम तस्वीरों आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो मनरेगा श्रमिक है यहाँ पर वो
आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मांडना चित्रकारी है वो यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी प्रसिद्ध चित्रकारी है, ये एक लोकल चित्रकारी भी कही जा सकती है, क्योंकि ये जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें चित्रकारी का अनुभव होता है और वह इन चित्रकारी को आसानी से कर देती है। पिछले जो सरकार थी, गहलोत सरकार, उसने ये शहरी योजना शुरू की थी। उस योजना में शहर के अंदर विभिन्न कार्य करवाए जाने थे, तो शहर के अंदर जो दीवारें हैं उन दीवारों को जिला कलेक्टर ने चिन्हित किया और चिन्हित करने के साथ ही उन दीवारों की पुताई करवाई। अब पुताई करवाने के साथ ही जो है मांडना यहाँ पर इन महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं तमाम महिलाएं हैं, ये सब नरेगा श्रमिक है, उनके माध्यम से जो है इन दीवारों पर जो है मांडना किया जा रहा है। यानी यूँ कह सकते हैं कि ये जो दीवारें हैं वो आने वाले समय पर जो है हेरिटेज लुक पर नजर आएगी। जो शहर है वहाँ जगह जगहों पर दीवारें हैं और दीवारें पहले बदसूरत थी, लेकिन अब वो दीवारें जो है यहाँ पर हेरिटेज लुक में नजर आएंगे। हम यहाँ पर जो मेट हैं इनसे बात करेंगे किस तरीके से ये दीवारें हैं, क्या कर रहे हैं आप इन दीवारों पे अभी? इन दीवारों पे मैं ये कलर पुताई वगैरह करवा के इस पे मांडने मंडवाने का काम करवा रही हूँ। जो मैंने 3 बत्ती चौराहे से लेके सदर थाने तक की पुताई करवाई, उस पे मांडने भी मंडवाए। उसके बाद में सर्किट हाउस से लेके तो छतरपुरा रोड पूरा मारने भी मंडवाए, उसमें पेंटिंग भी करवाई, पुताई भी करवाई। इस जीरे क्या है, दीवारें अच्छे से दिखने लग जाएगी पहले से मायने से। अब राजस्थान भी बढ़िया अच्छा दिखने, छोटी काशी बूंदी भी बढ़िया दिखने लग जाएगी। दीवारें कैसी थी पहले? पहले बदतर, बहुत ज्यादा खराब थी ये दीवारें। अब इस पे पहले तो झाड़ू वगैरह लगवा के पहले इसके सफाई करवा के फिर पुताई का काम स्टार्ट करवाया आएगा, ताकि पुताई भी अच्छे से दिखे, सफाई से दिखे। और पहले दीवारें बहुत खराब थी, लेकिन अब आप देख लो आपके सामने ही दीवार। तो ये जैसे अब सरकार ने योजना भी शुरू कर दी, देसी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें ही मानना ही मानना आ रहा है, और अभी मान रहे तो रोजगार भी मिल रहा है साथ में। हाँ, मिल रहा है। मेरे पास अभी 20 लेवर हैगी मेरे पास में, जो रोजगार भी अच्छा ही मिल रहा है सबको। और बढ़िया इस तरीके से रोजगार चलता रहे, ताकि सारी लेडीजों को रोजगार मिलता रहे इस जरिए। ये मांडना मान रहे, क्या कासे थे मांडने की? घर पे मानते हैं, घर पे तो हाथों से बनाते हैं। अभी यहाँ पे हाथों का भी काम चला था, हाथों से भी सारी लेडीजों ने मारने मांड सकती है, पर एक जैसी दीवार पे एक जैसे काम अच्छा लगेगा, अलग अलग अच्छा लगेगा, इसलिए एक जैसे ही मंडवा रहे हैं हम ये मारने, छपाई के जैसे। तो अच्छी लग रही दीवार, अब अच्छी लग रही है दीवारें। और पिछले नेक्स्ट टाइम में करवाया था जब हाथों से भी मंडवाया था, आने वाले समय में और भी कुछ ज्यादा अच्छा हो जाए ये भी है अनुभव। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दीवारें हैं, ये मांडा यहाँ पर ही मांडा जा चुका है, स्वास्तिक है, छोटा स्वास्तिक है, और जो विदेशी और देसी कल्चर होता है उस प्रकार से यह मांडा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पूरी दीवार है, इसी प्रकार की तमाम दीवारें हैं यहाँ पर। जिस प्रकार से मनरेगा श्रमिक होती है वो दीवारों पर सुबह जो है अपनी ड्यूटी देने के साथ ही यहाँ पर पहुँच जाती है, दीवारों को जो है पहले येलो कलर में पुताई की जाती है, उसके बाद रेड कलर में इन मांडनाओं को मांडा जाता है। तो कुछ छोटी काशी बूंदी में ये नवाचार किया गया है जिला प्रशासन की ओर से, कि जो शहर की दीवारें हैं उन दीवारों पर जो है कलर करवाया जा रहा है, रंगाई पुताई करवाई जा रही है, और जो देसी कल्चर है मांडना चित्रकारी का वो करवाया जा रहा है। क्योंकि ये चित्रकारी है करीब करीब लुप्त हो चुकी है, इसका एक कारण ये भी है कि इस मांडने के पीछे, ताकि ये जो मांडना है ये जिंदा रह सके और आने वाली नस्लों को जो है ये मांडना चित्रकारी याद दिलाई जा सके। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली।